दोस्तों, ये आईटेल मोबाइल है, उसका प्रॉब्लम है। देखिए, एंड्रॉयड मोबाइल का आपका प्ले स्टोर में कभी कभी डाउनलोड नहीं होता है। देखिए, डाउनलोडिंग पेंडिंग दिखाता है, कैन नॉट डाउनलोड। देखिए, डाउनलोड पेंडिंग दिखाता है। अब तो ये सॉल्यूशन करेंगे आज। देखिए, इसमें डाउनलोड कर रहा हूँ लेकिन डाउनलोड नहीं होता है। इसमें आपका पहले आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद देखिए, सिस्टम में जाना पड़ेगा, तीन चीज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, सेटिंग को रीसेट करना पड़ेगा, मोबाइल सेटिंग को रीसेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं सेटिंग को रीसेट कर देता हूँ। तीन सेटिंग करना पड़ेगा। पहले तो सेटिंग रीसेट कर दिया, अभी देखिए मैं फिर ऐप को रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, ये ऐप को रीसेट कर दिया है। उसके बाद देखिए, सभी चीज रीसेट हो गया है। देखिए, इसमें मेमोरी अवेलेबल है, फिर भी डाउनलोड नहीं होता है। ये दोनों करने के बाद भी डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि पहले तो सेटिंग को रीसेट करना पड़ेगा। वो रीसेट कर दिया है। अभी मैं उसको प्ले स्टोर में जाऊंगा, फिर देखूंगा। देखिए, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए, अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। और एक चीज़ करना पड़ेगा, अभी मैं देखिए थोड़ा ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। दो तीन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मेमोरी खाली है, फिर भी मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, दो तीन ऐप्स को जो यूज़ नहीं होता है। फिर भी नहीं हुआ है डाउनलोड। देखिए फिर भी डाउनलोड नहीं होता है। प्ले स्टोर खुलता है लेकिन डाउनलोड पेंडिंग दिखाता है, कैनॉट डाउनलोड। देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ। देखिए, अभी देखिए फिर भी नहीं हुआ है। देखिए, सही पेंडिंग दिखाता है। अभी फिर सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद देखिए, ऐप और नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ऐप मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, ऐप मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए, प्ले स्टोर देखेगा, नीचे में नीचे आना पड़ेगा। Thank you.